हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो स्कूल की हो अथवा प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हमसे कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या करें, हम तो बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेरी भी अपने इन अध्यायों के द्वारा यही कोशिश है कि आपको हर छोटे से छोटे पहलू के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है उतनी मैं दे सकूं। आज के अध्याय में हम जानेंगे भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित कुछ हमारी जिज्ञासा भरी बातें, उनका जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, भारतीय अंतरिक्ष। तो जानते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों बंगलुरु में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है हमें, नील ए आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न उत्तर ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ये भी रूस की है और इनका नाम है वैलेंटिना टेरेश्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है और इनका नाम है सुनीता विलियम्स। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले जानवर का नाम क्या था? कोई लाइका नाम की कोई कुतिया थी। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टीटो। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्पेस शटल में। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताना है, उसका नाम है कोलंबिया। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? उसका नाम है मैट सैट। चंद्रमा की धरती पर भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया? तो दोस्तों वो तिथि थी 22 अक्टूबर 2008 की। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या है? प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय हम किसे देते हैं? विक्रम साराभाई को। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। इसरो यानी कि ISRO का पूरा नाम बताना है, इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे है इनसेट INSAT का भी पूरा नाम बताना है, तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। अब हमें बताना है प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। फिर है इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह बताना है, इनसेट 1A। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? SRO SSA। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उद्देश्य बताना है हमें, क्या है इसका उद्देश्य? अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की
बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना इसका उद्देश्य है, और फिर उन्हें व्यवस्थित भी करना है और उसके लिए कार्य भी करना है, उन्हें कार्यान्वित भी करना है, उन्हें लागू भी करना है। भारत सरकार द्वारा, अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानोर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन थी? सैली राइड। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये रूस के थे और ये 1965 में तैरे थे, अलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? एडवर्ड वाहिद। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बन गया था? बन गया 14वां। अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक का नाम बताना है, वो थी एलिन कॉलिंस। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 8। अब देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई का नाम, वो है फाम तुआन और ये है वियतनाम से। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जेरी रॉस, जो कि अमेरिका से हैं। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर? अल्बर्ट नामक कोई बंदर था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इसे 19 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया था। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट A2 किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों इसे स्थापित किया गया था 10 जुलाई 1992 को। भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? रूस के कॉस्मोड्रोम से। फिर है भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के आवी में। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम है अली बर्ड। और भारत के प्रथम पहले दूर संवेदी उपग्रह का क्या नाम है? IRIRS-1A। और भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। दोस्तों इसी तरह से बहुत कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करना चाहती हूँ और एक ही विषय के प्रश्न एक ही अध्याय में ले रही हूँ, ताकि आप इनको आराम से सुन सके और थोड़ा बहुत इनको समझ सके और इनको याद भी कर सके। अच्छी शुरुआत आधी सफलता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।